उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में बस में आग लगने से बड़ा हादसा होने से बचा। संदिग्ध परिस्थिति में बस में लगी आग। बस में आग लगने से 3 लोग घायल, ड्राइवर बुरी तरह झुलसा। प्राइवेट बस कानपुर देहात के मकनपुर मेला से जा रही थी बदायूं। बस में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। बस में बैठी थी 3 दर्जन से अधिक सवारियां। सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने बस में आग जलते देख पानी डालकर बुझाई आग। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। थाना कमालगंज क्षेत्र के रजीपुर गांव का मामला। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इकरार। अच्छा, ये बस में कैसे आग लगी? बस कानपुर से आ रही थी बदार साहब से, हम लोग आ रहे थे बैठ के। इसमें जब रास्ते में इसमें जो भीड़ उत्पन्न हुआ हीट की वजह से, इसमें मोबाइल पैप निकल गया था बस, उसकी वजह से हीट हो गई गाड़ी। हीट होने पर हम लोगों ने जब धुआं हुआ, सब सवारी घबरा गई। घबराने के बाद सारे लोगों की, बस्ती के लोगों ने आके मदद करी। मदद करने के बाद बच्चों को सारा निकाल के एक साइड में बचा। सब लोगों ने मदद करके फिर पानी वगैरह डाला गया उसमें। ड्राइवर साहब निकले, ड्राइवर साहब के लिए बाहर निकले। निकलने के बाद फिर उनके लिए पानी डाला, फिर उनके बोनट खोलने पर उनके सिर में चोट भी लग गई थी उनके। और किसी तरीके की कोई दिक्कत ना, सब सुरक्षित है और कोई दिक्कत नहीं। मतलब ड्राइवर घायल हो गया था? ड्राइवर की सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी थी बोनट खोलने पर, जिसे पानी लेने की जगह और डाला फिर बोनट खोला तो उसमें चोट लगी थी, और कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर आप लोग कैसे निकले वहाँ? आग लगे लोगों, यहाँ के आवाम जितनी भी थी, यहाँ के दुकानदार लोग और आप लोग सभी लोग मदद करी। बच्चों को लेके गोदी में निकाला, हमारा सामान भी निकलवाया उन लोगों ने, और सब लोगों से रोहतक एक जगह पहुँचवाया। यहाँ के आवाम जो भी इतनी पब्लिक थी, यहाँ के आस पास के लोग, सब लोगों ने इतनी मदद करी कि हम बहुत उन लोगों से बहुत खुश आए। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम बताएंगे, फिर जा रहे थे। मतलब आगे जाते तेज पकड़ ली थी क्या बस में? नहीं नहीं, अब यहाँ से भी 5 किलोमीटर पहले हम लोगों ने नाश्ता करा था, उसके बाद हम यहाँ से जब चले थे तो फिर यहाँ पर आए तो उसमें देखा तो नीचे साठ वाले ने। अच्छा, बस में कितनी सवारियाँ सवार थी? 42 सवारियाँ। बस सभी लोग सुरक्षित थे? सारे लोग सुरक्षित थे, कोई किसी कोई तरीके कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।